हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आध्यात्म के विषय में। आज संडे है और आज हम इसी के बारे में बात करें। भगवान महादेव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। भगवान महादेव को साध की सरलता और सहजता के कारण उनको भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान महादेव अपने अच्छे और बुरे भक्त में कोई अंतर नहीं करते, उनके लिए सिर्फ भक्त होता है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, महादेव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा दानवों के आराध्य देव रहे हैं। वो दानवों से उन्होंने कभी छल कपट नहीं किया है। दोस्तों, महादेव के भोलेनाथ का एक छोटा सा उदाहरण शिव पुराण में बताया गया है, एक कथा के माध्यम से, वो मैं आज आपको बताता हूं। एक वर्कासुर नाम का एक राक्षस था। उन्होंने महादेव की बहुत ही भयंकर तपस्या की। अब महादेव को पता था कि ये राक्षस वर्कासुर बहुत ही भयंकर तपस्या कर रहा है, और अगर इसने अपना वरदान मांग लिया तो अब पूरी सृष्टि के लिए नुकसानदायक हो सकता है। महादेव बहुत ही कोशिश करते हैं कि उसको वर न दिया जाए, लेकिन उस वर्कासुर राक्षस की भक्ति को देखकर महादेव पिघल जाते हैं और महादेव उनको वरदान देने के लिए चले जाते हैं। जब वर्कासुर उनसे वरदान मांगता है तो वो महादेव से कहता है कि महादेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव कहते हैं, वर्कासुर, ये बहुत ही भयंकर वरदान है, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। तो वर्कासुर कहता है कि नहीं महादेव, मुझे देना हो तो सिर्फ यही वरदान दो। महादेव उनको वरदान दे देते हैं, उस वर्कासुर को। वो उसी वरदान के चलते उसका नाम पड़ता है भस्मासुर। अब वो उस वरदान की शक्ति से पूरी सृष्टि में प्रलय मचाता है, जिसको देखता है, जिसी को भी हाथ रख के नष्ट करता है। तब वो उस शक्ति के बल पे अपने आप में उसमें घमंड आ जाता है। तो उसको लगता है कि यार, मेरे में इतनी शक्ति है तो क्यों ना यार, जिसने मेरे को वर दिया है उसी को समाप्त कर दूं, तो मुझे मारने वाला कोई नहीं रहेगा इस संसार में। तो वो कैलाश पे चला जाता है भस्मासुर, और महादेव को भस्म करने की कोशिश करता है। तो महादेव कहते हैं, भस्मासुर तुम यहां से चले जाओ। महादेव चाहते थे तो उसे अपनी शक्ति से नष्ट कर सकते थे, लेकिन महादेव अपने वर का अपमान नहीं करना चाहते थे। तो महादेव वहां से अदृश्य हो जाते हैं, और महादेव भगवान श्री हरि विष्णु जी से सहायता मांगते हैं। तो फिर विष्णु जी आते हैं और एक मोहिनी रूप का रूप धारण करते हैं, और उस भस्मासुर को अपने मोहिनी रूप में वश में कर लेते हैं, और उसी का हाथ उसी के सिर पर रख देते हैं, तो वो स्वयं भस्म हो जाता है। तो ये है अपने तो इसके कारण महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। महादेव को पता था कि भस्मासुर मेरा वर पाके नुकसान कर सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भोलेपन के कारण उसको वरदान दिया, तो इसीलिए महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। इसी के साथ आ जाएं दोस्तों, नमस्कार।